मछली पालक किसान भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग पहले से मछली पालन कर रहे हैं, मछली का बीज डालते हैं परंतु उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है, या परेशान रहते हैं कि क्यों नहीं मिल पाता है, और कुछ भाई हैं जो नया नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे करेंगे, कितने बड़े तालाब में कितनी मछली डालेंगे तो कितनी मछली निकलेगी, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मछली पालन की कौन कौन सी विधियाँ अभी प्रचलित हैं भारत में खास करके। तो एक तो है कि तालाब में मछली पालन। तालाब में मछली पालन में तीन चार तरीके हो गए हैं। एक को बोलते हैं सामान्य खेती या एक्सटेंसिव कल्चर। ये सामान्य खेती क्या है कि आप तालाब में जो स्थिति है उसी में मछली का बीज डाल दिए। मछली के बीज डालने से पहले कोई कार्यकलाप नहीं कर पाए आप, और बीज डालने के बाद भी आप कुछ नहीं किए, तो ऐसे में आपका उत्पादन 1 एकड़ में 150, 200 किलो, 300 किलो होगा, जो प्राकृतिक रूप से जो भोजन उसमें बनेगा उसी के आधार पर मछलियाँ जो है वो बड़ी होंगी, और लगभग प्रति एकड़ 200-300 किलो में आपको संतोष करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सटेंसिव कल्चर। दूसरा होता है अर्ध सघन खेती, सेमी इंटेंसिव कल्चर। तालाब वही है परंतु उसमें तीन तरह के कार्यकलाप करने हैं आपको। एक, बीज संचयन के पहले की तैयारी, उसमें आता है तालाब से जंगली और जो खाऊ मछलियां हैं, जो परभक्षी मछलियां हैं, उनकी निकासी जाल चला के हो या जैसे भी हो। दूसरा है विभिन्न प्रकार के जलीय घास होते हैं तालाब में, उनकी निकासी। उसके बाद है तालाब में चूने का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, सरसों खल्ली का प्रयोग। इस प्रकार से आप क्या करते हैं कि तालाब के जो अम्लीयता है या जो उसका पीएच है उसको ठीक करते हैं। मछलियों के जो दुश्मन है, जो कि परभक्षी मछलियां हैं या जो जंगली मछलियां हैं जो कि तालाब के सभी भोजन को खा जाती हैं, उनको आप निकालते हैं, और जो जलीय घास है जो सभी पोषक तत्वों को सोख लेती हैं उनको आप निकालते हैं, और इस प्रकार जो तालाब का वातावरण है वो मछली के बीज के लिए उपयुक्त बनाते हैं। फिर आप मछली के बीज का संचयन करते हैं। संचयन में भी ध्यान रखते हैं कि सभी प्रकार के बीज उसमें रहे, बड़े आकार के बीज रहे, और संचयन भी ध्यान से करते हैं। इसके बाद मछलियों को रेगुलर नियमित आप भोजन देते हैं, उसमें कोई बीमारी नहीं हो जाए उसकी व्यवस्था करते हैं। बीच बीच में भी पानी की गुणवत्ता का जांच करते हैं, और यदि कुछ इधर उधर मिला तो उसमें आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो 1000 से 1200 किलो प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से आपको प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं अर्ध सघन खेती या सेमी इंटेंसिव कल्चर। तालाब वही है परंतु उत्पादन आपका बढ़ गया। तीसरा होता है इंटेंसिव कल्चर, सघन खेती। उसमें क्या होता है कि आप तालाब में बीज की संख्या अधिक देते हैं, अधिक बीज देने से अधिक भोजन भी देते हैं। अधिक भोजन देंगे तो उसका उत्सर्ज निकलेगा, या जो भोजन मछली नहीं कर पाएगी वो सड़ेगी, तो उसके कारण ऑक्सीजन कम होगा तालाब का। तो उसके लिए आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, एरेटर लगाएंगे या पंपिंग सेट से पानी निकाल के उसी में डालेंगे, इस तरह की व्यवस्था करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप यदि पूरे ध्यान दे करके मछली पालन करेंगे तो उसी 1 एकड़ के तालाब से आपको 2000 किलोग्राम उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसको बोलते हैं इंटेंसिव कल्चर। और अभी एक नया आ गया है सुपर इंटेंसिव, अत्यंत सघन खेती, सुपर इंटेंसिव कल्चर। उसमें ज़्यादा बीज दिया जाता है, एयरेशन की व्यवस्था लगातार की जाती है, भोजन दिया जाता है, मछलियों का बीमारी नहीं हो इसके लिए रेगुलर उसकी जांच की जाती है, पानी का गुणवत्ता का जांच किया जाता है, उसका अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, उसमें प्लैंकटन की मात्रा कितनी है, उसका ट्रांसपेरेंसी कितना है, पीएच कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसका सभी मानकों का जांच करते रहेंगे तो आपको उसी तालाब में 8 से 10 हज़ार किलो उत्पादन हो सकता है। इसको बोलते हैं सुपर इंटेंसिव कल्चर। तो ये तो हो गए चारों विधि जो है वो तालाब में मछली पालन को हो गए। इसके अलावा एक आजकल नया आ गया है केज कल्चर। हालांकि यह पुराना विधि है, समुद्र में काफ़ी दिनों से प्रचलित है, लेकिन 2011-12 में जब NMPS स्कीम आया, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, तो उसमें कम खर्च में प्रोटीन
युक्त भोजन को उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई NMPS, उसमें मछली पालन में ये केज कल्चर प्रारंभ हुआ और कई जलाशयों में केज को तैरा दिया गया। केज क्या है, लोहे के फ्रेम को PVC ड्रम या SDPE ड्रम के ऊपर आप उसको बांध देंगे और उसमें तार जाली लटका देंगे और उसमें मछली पालेंगे तो उसको केज कल्चर कहते हैं। भारत में झारखंड राज्य में करीब 4,000 केज लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना में है, लगभग सभी जगहों में, आंध्र प्रदेश में है, सभी जलाशयों में केज कल्चर प्रारंभ हो गया है। केज का जो सामान्य जो साइज है वो है 6 मीटर × 4 मीटर × 4 मीटर यानी 96 क्यूबिक मीटर, 96 घन मीटर, और उसमें लगभग 7,000 बीज का संचयन किया जाता है। केज कल्चर के लिए सभी मछलियां उपयुक्त नहीं है, उसमें ज़्यादातर पंगास या मोनोसेक्स तिलापिया ज़्यादा प्रचलित है, कहीं कहीं जापानी पोठी भी लोग डाल रहे हैं। तो ये मछलियाँ जो हैं वो 3 से 4 टन तक इनका उत्पादन हो जाता है एक वर्ष के अंदर ही, 8-9 महीने में। तो केज कल्चर जो है ऐसे जल क्षेत्र जो काफ़ी गहरे हैं जिनमें मछली पकड़ना आसान नहीं है, जैसे जलाशय हो गए या फिर जो स्टोन क्वेरीज है, जो पत्थर के खदान है जो कि जहाँ खनन बंद हो चुका है और 150-200 फीट पानी भरा हुआ है उसमें, या जो कोल क्वेरीज है या जो एल्युमिनियम के बॉक्साइड जो ओर होता है उसका जो क्वेरी है, इनमें सफलतापूर्वक किया गया है और इसको किया जाना चाहिए। इसके बाद एक आता है पेन कल्चर। पेन कल्चर क्या है कि जलाशयों के किनारे यदि पानी का एक क्षेत्र निकल गया है जो कि मुख्य जो जल क्षेत्र है उससे लगा हुआ है, तो जहाँ पर लगा है उसको यदि हम लोग जाल से घेर देंगे तो एक छोटा तालाब नुमा स्ट्रक्चर निकल जाएगा जिसमें मछली पालन किया जा सकता है। तो पेन कल्चर जो है पहले तो बांस के फ्रेम से घेरा जाता था, घेरा बना करके फिशरीज मछली पालन किया जाता है, इसको इनक्लोजर फिशरीज भी बोलते हैं। परंतु झारखंड में एक नया तरह का टेक्निक निकला है जिसमें जाल को इस प्रकार लगाया जाता है कि नीचे वो दबा रहे और ऊपर तैरता रहे, जिससे कि पानी यदि बढ़ भी जाए तो वो जाल ऊपर चला जाए, पानी घटे तो जाल नीचे चला जाए। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ पेन कल्चर पर, उसको आप देख लेंगे। तो ये पेन कल्चर भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, तालाब में मछली पालन, केज कल्चर, पेन कल्चर। इसके बाद अभी आ गया है एक बायोफ्लॉक, काफ़ी आप नाम सुनते होंगे, बहुत लोग बायोफ्लॉक कर रहा है जिसमें कि 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर व्यास का तार की जाली और तार पुलिन के माध्यम से तालाब बना लेते हैं, कृत्रिम तालाब, उसमें पानी भर देते हैं और उसमें मछली पालन करते हैं। ये भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, लेकिन उसमें पानी की गुणवत्ता को ध्यान देते रहना है जिससे कि मछलियाँ मर नहीं जाए। तो बायोफ्लॉक के बाद एक और सिस्टम आ गया अभी, RAS, इसको बोलते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या है कि सीमेंट का हौदा बनाते हैं लगभग 25 फीट × 25 फीट × 6 फीट और उसमें मछली डालते हैं पानी भर के, और जो पानी गंदा हो जाता है उसको निकाल करके उसको पहले मैकेनिकली उसको छानते हैं, मतलब उसकी उसको छान करके जो उसमें गंदगी है उसको हटाते हैं, फिर उसको ओजोन से पास कराते हैं, वहाँ पर भी छनन होता है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे से छानते हैं, फिर उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल करने से इसको बोला जाता है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये जो है सो इसराइल में और कई देशों में काफ़ी प्रचलित है, भारत में भी यह शुरू हो गया है, जिसमें कि सीमेंट का हौदा बनाया जाता है और पानी को लेकर के 2-3-4 चक्रों में उनकी सफाई की जाती है और फिर उसी पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी पंगास मछली पाला जा रहा है, पंगास, तिलेपिया, ये दोनों काफ़ी इसमें प्रचलित है RAS में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी इसके लिए अनुदान की व्यवस्था है। इसके अलावा एक और अभी नया आ गया है रेसवे सिस्टम। रेसवे सिस्टम में क्या है कि लंबा लंबा तालाब नुमा स्ट्रक्चर है और उसमें काफ़ी तेज़ी से एरेशन दिया जाता है जिससे कि पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है और मछली उत्पादन कई गुना अधिक हो रहा है। मतलब जो तालाब में मछली उत्पादन है उसका लगभग 10 से 15 गुना अधिक उत्पादन रेसवे सिस्टम में हो रहा है, परंतु उसमें बिजली का खर्च है, लगातार बिजली चाहिए,
पानी का मॉनिटरिंग करते रहना है और मछली के भोजन पर ध्यान देना है, जो भोजन नहीं खा पाएगी वो सड़े नहीं इस पर ध्यान देना है। इस तरह से कई तरह की सावधानियां बरतनी है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी खर्च है लेकिन उत्पादन काफ़ी अधिक है। तो अभी इतने तरह के जो है मछली पालन चल रहे हैं। आप अपने स्थिति और अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। सभी के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अनुदान की व्यवस्था है। रेसवे सिस्टम के लिए नहीं है, परंतु नया तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक और RAS ये तीनों के लिए है। तो इसके संबंध में और भी यदि कुछ जानकारी आपको लेना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने का। और अपने क्षेत्र में मछली पालन को आप अपनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।